हेलो दोस्तों, डिजिज्ञान सीसी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उस समय से यूपीआई को लेकर बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। तो इसी के चलते हुए एक यूपीआई के से रिलेटेड एक खबर आई है, जिसमें आप यूपीआई का अगर पेमेंट यूपीआई द्वारा अगर पेमेंट करते हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो में आगे बने रहें और इस खबर को ज़रूर सुने। तो आप यहाँ पर एक न्यूज़ चैनल की हेडलाइन देख सकते हैं, यूपीआई आईडी बैन अलर्ट। 1 जनवरी से हो जाएगी गूगल पे, पेटीएम और फोन पे की यूपीआई आईडी ये है बजाय। तो आप समझ गए होंगे कि यूपीआई की जो आईडी है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब बंद होने वाली है। तो ये इसके विषय में क्या आगे की अपडेट है, आइए आगे इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। अगर आप भी गूगल पे, पेटीएम या फोन पे पर यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। यूपीआई आईडी बैन अलर्ट, तो इस तरह से एक मैसेज आया है। अगर आप भी छोटे छोटे लेन देन के लिए ऑनलाइन यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। गूगल पे पर, फोन पे और पेटीएम को 31 दिसंबर से कुछ यूपीआई आईडी बंद करने का निर्देश दिया गया है। इनमें वे यूपीआई आईडी भी शामिल है जिनका 1 साल से अधिक समय से उपयोग नहीं किया गया। अगर आप भी गूगल पे, पेटीएम या फोन पे पर यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल एनपीसीआई ने 31 दिसंबर से कई यूजर्स की यूपीआई आईडी बंद करने का आदेश दिया है। जो यूपीआई पिछले 1 साल से एक्टिव नहीं है उसे बंद कर दिया जाएगा। एनपीसीआई ने इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर तक दी है। एनपीसीआई द्वारा गूगल पे, पेटीएम और फोन पे को एक सर्कुलर जारी कहा है कि जिन यूजर्स की यूपीआई आईडी 1 साल से एक्टिव नहीं हुई है, यानी जिन यूजर्स ने 1 साल से अपनी यूपीआई आईडी से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है, उनके लिए 31 दिसंबर तक एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद यह बंद हो जाएगा। एनपीसीआई गैर लाभकारी संगठन है जो भारत की खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली है। इसका मतलब है कि फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसी ऐप्स इसके मार्गदर्शन पर काम करती हैं। साथ ही किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में एनपीसीआई मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड जैसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां ऑनलाइन यूपीआई आईडी के जरिए भी घोटाले हो रहे हैं। ऐसे में ऑनलाइन यूपीआई के जरिए होने वाले घोटालों को रोकने के लिए एनपीसीआई ने आदेश दिया है। कई बार यूजर अपने पुराने नंबर को डीलिंक किए बिना ही नई आईडी बना लेते हैं, इससे धोखाधड़ी हो सकती है। ऐसे में एनपीसीआई की ओर से पुरानी आईडी को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप समझ तो गए होंगे जो यूपीआई आईडी 1 साल से एक्टिव नहीं है उन आईडीज़ को एनपीसीआई द्वारा बंद कर दिया जाएगा। तो अगर आप भी यूपीआई चलाते हैं और आपने भी 1 साल से लेन देन नहीं किया है तो आप अपनी आईडी को एक्टिव कर लें, वरना आपकी भी आईडी बैन हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों।